हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ऑल अबाउट जॉब्स। में फ्रेंड्स, आज का जो वैकेंसी है वो THDC इंडिया लिमिटेड की तरफ से निकल कर आ रही है। सो यस फ्रेशर्स, इसके लिए कम्प्लीटली एलिजिबल है, परमानेंट गवर्नमेंट जॉब है, जिसमें आप लोग को पैकेज 16 लाख पर इनाम मिल जाएगी। इसमें ऑल ओवर इंडिया किसी भी स्टेट से आप लोग बिलोंग करते हो तो इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, सिलेक्शन प्रोसीड्योर एंड एप्लीकेशन प्रोसीड्योर सब कुछ मैं वीडियो में आगे जाकर डिस्कस करूँगा, तो वीडियो को स्किप मत करना, लास्ट तक देखिएगा। तो नेक्स्ट चलते हैं ऑफिशियल इंट्यूशन की तरफ। तो फ्रेंड्स, ये है इसका ऑफिशियल इंट्यूशन जो आप लोग देख पा रहे हो कि THDC इंडिया लिमिटेड की तरफ से निकल कर आ रही है, जो एक मणिरत्न PSU है। तो फ्रेंड्स, नोटिफिकेशन स्टार्ट करने से पहले अगर फर्स्ट टाइम चैनल पर विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दो, ताकि आप लोगों को आने वाले सारी अपडेट मिल सके। और वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ थोड़ा सा शेयर भी कर दिया करो यार, ताकि हमें ही मोटिवेशन मिले ऐसे अच्छे अच्छे नोटिफिकेशन आप लोगों के लिए लेके आने के लिए। और टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन होकर के रखिए जॉब के रिलेटेड लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए। तो स्टार्ट करते हैं डिटेल्स नोटिफिकेशन की। तो फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल, ये एक परमानेंट जॉब है, कोई भी कॉन्ट्रेक्चुअल या तो टेम्पोरारी जॉब नहीं है। डिटेल्स पोस्ट की बात करें तो फ्रेंड्स, यहीं पर इंजीनियर ट्रेनी पोस्ट के लिए वैकेंसी आई है, जिसमें फर्स्ट है इंजीनियर ट्रेनी सिविल के लिए, जिसमें अप्लाई करने के लिए अगर आप लोग सिविल इंजीनियरिंग डिसिप्लिन में से 4 साल का BVTEC की हो तो उसके लिए अप्लाई कर सकते हो। नेक्स्ट है इंजीनियर ट्रेनी इलेक्ट्रिकल के लिए, जिसमें अप्लाई करने के लिए अगर आप लोग इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, पावर सिस्टम एंड हाई वोल्टेज और पावर इंजीनियरिंग में से 4 साल का BVTEC की हो तो उसके लिए अप्लाई कर सकते हो। नेक्स्ट है इंजीनियर ट्रेनी मैकेनिकल के लिए, जिसमें अप्लाई करने के लिए अगर आप लोग मैकेनिकल और ऑटोमोबाइल डिसिप्लिन में से 4 साल का BVTEC की हो तो उसके लिए अप्लाई कर सकते हो। इंजीनियर ट्रेनी पोस्ट में अप्लाई करने के लिए आपके BVTEC में मिनिमम 65% मार्क्स होनी चाहिए। उसके साथ साथ आपके क्लास 10th और क्लास 12th में मिनिमम 65% मार्क्स होनी चाहिए। इसमें अप्लाई करने के लिए OBC कैंडिडेट्स के लिए मैक्सिमम एज लिमिट 33 ईयर्स और SC/ST कैंडिडेट्स के लिए मैक्सिमम एज लिमिट 35 ईयर्स तक रखा गया है। और उसके साथ इसमें अप्लाई करने के लिए अगर आप लोग गेट 2022 पे क्वालिफाई किए हो तो ही आप लोग इसके लिए एलिजिबल हो, इसमें अप्लाई कर सकते हो। जो लोग गेट 2022 से पहले या तो गेट 2023 में क्वालिफाइड है, वो लोग इसके लिए एलिजिबल नहीं है, इसमें अप्लाई नहीं कर सकते। गेट का जो पेपर कोड है वो यहीं पर मेंशन है, तो आप लोग आपके हिसाब से चेक कर सकते हो। सिलेक्शन प्रोसेस में आपके गेट 2022 का जो स्कोर है उसके बेसिस पे आप लोग को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। अगर आप लोग उसमें शॉर्टलिस्ट होते हो तो उसके बाद आप लोग को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। अगर आप लोग इंटरव्यू में क्वालिफाई करोगे तो उसके बाद आप लोग का सिलेक्शन यहीं पे हो जाएगी। गेट स्कोर का जो वेटेज है वो 70% रखा गया है और इंटरव्यू का वेटेज 30% रखा गया है। उसके अलावा अगर आप लोग का सिलेक्शन यहीं पर हो जाता है तो सिलेक्शन होने के बाद ज्वाइनिंग से पहले फर्स्ट आप लोग का प्री एम्प्लॉयमेंट मेडिकल टेस्ट होगा। उसके अलावा अगर आप लोग का सिलेक्शन यहीं पे हो जाता है तो सिलेक्शन होने के बाद इनिशियली 1 ईयर के लिए आप लोग को ट्रेनिंग पीरियड पे रखा जाएगा, और 1 ईयर ट्रेनिंग पीरियड कंप्लीट होने के बाद आप लोग को परमानेंट कर दिया जाएगा, जिसमें ट्रेनिंग पीरियड के टाइम आप लोग का पे स्केल E2 ग्रेड के हिसाब से यानी कि 50,000 से लेके 1,60,000 रहेगी। और उसके साथ साथ आप लोग को अलाउंसेस वगैरह भी प्रोवाइड किया जाएगा। और परमानेंट होने के बाद आप लोग का पे स्केल E3 ग्रेड के हिसाब से यानी कि 60,000 से लेके 1,80,000 रहेगी। और उसके साथ साथ आप लोग का अलाउंसेस वगैरह भी प्रोवाइड किया जाएगा, और अलाउंसेस ऐड करने के बाद आप लोग को टोटल CTC 16 लाख पर इनाम मिल जाएगी। एप्लीकेशन फी की बात करें तो फ्रेंड्स, यहीं पर OBC कैंडिडेट्स के लिए 600 रुपीज एप्लीकेशन फी रखा गया है। सिमिलरली SC/ST, PWD, एक्स सर्विसमैन और डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स के लिए कोई भी एप्लीकेशन फी यहीं पे नहीं रखा गया है, कम्प्लीटली फ्री है उन लोगों के लिए। एप्लीकेशन फी आप लोगों को ऑनलाइन सबमिट करना होगा। इसमें आप लोगों का जॉब लोकेशन ऑल ओवर इंडिया रहेगी। इसमें अप्लाई करने के लिए आप लोग को इसका जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसी वेबसाइट विजिट करके ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करके सबमिट करना होगा। उसके अलावा अगर आप लोग का कोई भी डाउट्स है तो क्वेश्चन है तो आप लोग इसी मेल आईडी या तो फोन नंबर पर कॉन्टेक्ट करके आप लोग का डाउट्स वगैरह क्लियर कर सकते हो। इम्पॉर्टेंट डेट्स की बात करें तो फ्रेंड्स, इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन ऑलरेडी स्टार्ट हो गया है, और इसमें ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म सबमिशन के लिए लास्ट डेट रहा गया है 6 जून 2023, और एप्लीकेशन फी पेमेंट करने के लिए लास्ट डेट रहा गया है 8 जून 2023। तो फ्रेंड्स, यही इसका डिटेल्स नोटिफिकेशन। नेक्स्ट में आप लोगों को दिखाया था उसमें ऑनलाइन अप्लाई कैसे करना है। तो फ्रेंड्स, यही इसका ऑफिशियल वेबसाइट और यही इस नोटिफिकेशन का डिटेल्स जो आप लोग देख पा रहे हो। इसमें अप्लाई करने के लिए आप लोग को इसी लिंक पे आना होगा। आने के बाद फर्स्ट आप लोग को अप्लाई नाउ ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद अगर आप लोग इसके पहले का भी रजिस्ट्रेशन किए हो तो उस केस में आप लोग को इस ऑप्शन को चूज़ करना है।
अगर फर्स्ट टाइम रजिस्ट्रेशन करना चाहते हो तो उस केस में आप लोग को नो ऑप्शन को चूज करने के बाद नेक्स्ट ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद आप लोग के सामने रजिस्ट्रेशन फॉर्म ओपन हो जाएगी, जिसमें फर्स्ट आप लोग को रजिस्ट्रेशन करना है और उसके बाद आप लोग को लॉगिन करना है। लॉगिन करने के लिए आप लोग को यहीं से इस ऑप्शन को चूज करने के बाद नेक्स्ट ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद आप लोग के सामने लॉगिन का पोर्टल ओपन हो जाएगी, जिसमें फर्स्ट आपको आपका रजिस्ट्रेशन नंबर यहीं पे फिल करना होगा और उसके बाद रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर फिल करने के बाद गेट डिटेल्स ऑप्शन पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप लोग के सामने एप्लीकेशन फॉर्म ओपन हो जाएगी और आप लोग वहाँ से भी अप्लाई कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, यही इसका कंप्लीट डिटेल्स, नोटिफिकेशन और फॉर्म फिलअप का डिटेल्स। आई होप आप लोगों को हर एक इन्फॉर्मेशन समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट्स है, क्वेश्चन है, तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हो। मैं इस ऑफिशियल नोटिफिकेशन का PDF मेरा टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दूंगा, आप लोग वहाँ से चेकआउट कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल का लिंक और इसमें अप्लाई करने का लिंक आप लोगों को वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मिल जाएगी। तो बस आज के लिए इतना ही, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे एक नया जरूर के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।